आज है 19th of August, तो मैं पूरे 2 हफ्ते बाद मैंने कैमरा उठाया है दो दिन के लिए। तो अभी मेरा दिन अच्छा है। आज टीचर्स निकालने जाना है 2 हफ्ते बाद। अभी हल्का हल्का स्वेलिंग है, पता नहीं चलता है। तो आज है सैटरडे जी, मैंने पानी वानी पिया है, चाय पी बाकी है और जा रही हूँ अभी किचन में। चलो आज देखते हैं सुबह सुबह नाश्ता में क्या बनने का। जो मैंने सोचा था बनाने के लिए बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, आज वही मैं बनाने वाली हूँ। चलो चलते। तो फाइनली फ्रेंड 2 हफ्ते बाद मैं आ गई हूँ अपना फेवरेट सब्जी बनाने, वन ऑफ द फेवरेट। ये इसको अरबी बोलते हैं शायद, अरबी और क्या क्या बोलते हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। तो मैं जैसे कि हमेशा मैं देखते देखते आती हूँ रोड साइड कौन सी सब्जी मिल रही है, तो फिर ये मैंने ले लिया। ये मुझे बहुत पसंद है और ये छिलने पे ना स्लिप होता है, बहुत लिबलिबा सा होता है। तो फिर ये पूरा छिल लिया है मैंने, वॉश भी कर लिया है इसको अच्छे से, और ऊपर से जो थोड़े थोड़े दाग दाग बचे हुए हैं, दाग व्हाटएवर, उसको मैं निकालते जा रही हूँ और कट करते जा रही हूँ। कट करते हुए भी स्लिप हो जाता है, लेकिन मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है जो मैं करूँगी, अब तुमको बताऊँगी। ये भी जो हम लोग अरबी का पत्ता खाते हैं ना, उसी टाइप का रहता है, तो इसलिए ये भी गले में थोड़ा ये होता है, इसलिए इसमें भी खटाई थोड़ा डालते हैं। तो मैं आप लोगों को फूड रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये पूरा देखिए, मैं ऊपर ऊपर का सब अच्छे से काट ले रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा डस्ट मिट्टी वगैरह होता है, इसलिए वो छिल नहीं पाता अच्छे से, इसलिए मैं कट कर दे रही हूँ ऊपर से हल्का हल्का। फाइनली देखो मैंने अच्छे से सारा कट कर लिया। अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, सरसों का ही ऑयल खाते हैं मुझे ज़्यादातर। उसमें थोड़ा सा हींग का तड़का लगाऊंगी और फिर इसमें अजवाइन का तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है। अजवाइन के तड़के से और स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है। पीछे देखो कपड़े का स्टैंड रखा हुआ है, हॉल से निकाल के यहाँ पे किचन में साइड में रख देते हैं, और जब ज़्यादा कपड़े सुखाने होते तो हॉल में फ़ैन के नीचे रात को रख देते ताकि अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ पे मैं मसाले करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें डालूँगी एक प्याज। प्याज इसलिए डालती हूँ कि थोड़ा ग्रेवी बन जाता है प्याज से, इसलिए फिर प्याज भी डालती हूँ मैं। और यहाँ पे हमारा तड़का रेडी है गाइस। तो हम लगाएंगे यहाँ पे तड़का और अच्छे से थोड़ा हल्का लाल भून लेंगे इसको। तो भूनने से क्या होता है, लिबलिबापन निकल जाता है। तो अगर आपको लिबलिबापन हटाना है तो अच्छे से भून ले। मैंने भी अच्छे से भून लिया था, बट इसमें वाइट ही दिख रहा था, बट हल्का सा ज़्यादा ही अच्छा खासा भून गया था। तो यहाँ पे भून गया है, और फिर यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन प्याज और मिर्ची का पेस्ट, और फिर मैं इसमें डालूँगी हल्का सा गरम मसाला, और फिर खटाई अगर आपके पास नहीं है तो आप अचार ऐड कर सकते हैं, अचार में थोड़ा मसाला रहता है वो ऐड कर दीजिए। तो मैंने आम का जो अचार था उसमें से मसाला और एक कतली जो आम का रहता है छोटा सा वो भी ऐड कर दिया है, और यहाँ पे गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है। और ये गरम मसाला जो है पैकेट का है, मैंने अभी तक गरम मसाला भून के ग्राइंड करके नहीं रखा है, तो बहुत जल्द करूँगी। आप लोग को अगर उसका रेसिपी नहीं बोल सकते ना, मसाले कैसे बनाते हैं घर पे, वो अगर चाहिए होगा तो मैं आप लोग शेयर करूँगी, कमेंट करके बताना इफ़ यू रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हल्दी नमक भी मैंने डाल दिया है, और फिर ये मसाले अच्छे से भून लूँगी। फिर बाद में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और ये बॉयल करके भी बनता है, बट मैं बॉयल करके नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। बॉयल करने के बाद ज़्यादा वो गल जाता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, हल्का सा थोड़ा कड़क थोड़ा टाइट रहता है तो वो मुझे अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए मैं इसमें टाइम लगता है बिना बॉयल करके बनाने में, बट अच्छा लगता है बिना बॉयल।
एक साइड में सब्जी भी हो रही है और मैं रोटी फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है, टिफिन भी भरना है। तो मैं टिफिन में क्या क्या लेकर जाती हूँ आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे फटाफट रोटियाँ बना लूँगी, फिर मुझे नहाना भी है, टिफिन भरना है, नाश्ता भी करना है। तो यहाँ पे ये है फ्रूट, फ्रूट मैं लेकर आती हूँ, कोई भी एक फ्रूट लेकर जाती हूँ। और ज़्यादातर बीच में तो बंद कर दिया था मैंने, लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट किया है लेकर जाना। तो अनार या एप्पल, ये दोनों में से कुछ भी जो रहे, ज़्यादातर एप्पल ही रहता तो मैं एप्पल ले जाती हूँ। और यहाँ पे मैं टिफ़िन में भर रही हूँ, तो एक टिफ़िन में भरूँगी एप्पल, एक में भरूँगी रोटी, एक में भरूँगी सब्जी। तो मैं एप्पल कट करके भर लेती हूँ। इसके ऊपर का जो छिलका था वो बहुत पतला वाला था ये, तो इसलिए मैंने ऊपर के छिलके नहीं निकाले, ऐसे ही कट करके मैंने सिर्फ बीज के जो रहते हैं सीड्स वगैरह थोड़ा बहुत वो निकाल दिया मैंने और एक खा भी लिया। और फिर इसको ये थोड़ा बड़ा वाला टिफ़िन है उसमें भर दिया। यहाँ पे दो रोटी और जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो सब्ज़ी में भरूँगी बाद में, क्योंकि वो अभी सब्ज़ी बनी नहीं थी, उसको टाइम लगता। अभी मैं टिफ़िन भी रख दिया है मैंने, सिर्फ अभी सब्ज़ी नहीं हुई है, सब्ज़ी को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बॉयल करके नहीं बनाया ना मैंने, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। 5-10 मिनट में सब्ज़ी भी जाएगी, सब्ज़ी भी टिफ़िन में रख लूँगी, फिर जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। फाइनली गाइस ये टूट रहा है, मतलब ये पक रेडी हो गया है। और देखिए बिल्कुल भी लिबलिबा नहीं हुआ है। और यहाँ पे मेरी भाभी रोटी बना रही है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। देखो बिल्कुल भी लबलबी सही हुई है रोटी। और देखो बाबू यहाँ पे खेल रहा है, बाबू को बात करने के लिए चाहिए, कोई बात नहीं कर रहा। बाबू को मालिश हुआ, बाबू सोया है ना। बाबू क्या बोल रहे हो, बोलो, खाना खाओगे, खाना खाओगे, हंस रहा। काम स्टार्ट कर दिया, अब मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल गया, शाम के 6 बजे के बाद जाना है डॉक्टर तक, स्टिचेस निकालना है। भी मिलती हूँ आप लोगों को शाम को। तो गाइस मैं ऑफिस से डायरेक्ट चली गई थी डॉक्टर के पास, तो जो स्टिचेस थे मेरे तीत के वो निकालने के लिए वो निकाल लिया है। अब मैं जा रही हूँ घर के लिए, तो फिर वहाँ मुझे मेहंदी भी लेना था, सावन में मेहंदी लगाना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो मैं भी लगा लेती हूँ। हमेशा तो नहीं लगाती थी, मेरी बड़ी मम्मी थी तब भी लगाती थी, बहुत शौक था उनको लगाने का, उनके जाने के बाद से फिर मेरा भी मन नहीं होता है। तो आखिर में मैंने भी यहाँ पर मेहंदी ले लिया और सिंपल सा मैंने मेहंदी लगाया था, ऐसे ही डॉट डॉट करके लगाते ना वैसे लगाया था। और ये है शॉप, ये भैया मेरे को बचपन से ही पहचानते हैं, जब से हम लोग छोटे थे तब से यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये शॉप कहीं और हो गया है, 2-3 दिन का शॉप खुल तो गया। ऑफिस से आ गई हूँ घर, मतलब हॉस्पिटल से क्लिनिक से घर आ गई हूँ, स्टिचेस भी निकाल दिए हैं, मैंने वहाँ का शूट ही नहीं किया, भूल गई, कोई बात नहीं। फिर अभी मैं फ्रेश होंगी, 8 बज गए मुझे आते थे टाइम हो गया, 8 बज गए, खाना भी बन रहा है, देखती हूँ क्या बन रहा है, फ्रेश होकर कुछ खाती हूँ, फिर जाती हूँ किचन में, देखती हूँ कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो करती हूँ, और फिर मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग में। और मतलब टीथ का तो ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होता है पेन तो होता है यार, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हील हो जाता है। तो आपको भी विजडम टीथ का प्रॉब्लम है तो आप भी रिमूव कर सकते हैं, डर तो लगता है लेकिन नहीं डरना चाहिए, डर के आगे जीत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।